हाय, हाउ आर यू ऑल। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ ड्रीम कैचर बनाने के लिए एक बहुत इजी सिंपल सी वीडियो, जिसमें आप बहुत क्यूट सा मिनी सा ड्रीम कैचर बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज करके और वुल का यूज करके। ओके, सो सारे मटेरियल्स मैं आपको आगे की क्लिप में दिखाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको चाहिए सिजर्स, वुल, कोई से भी कलर का वुल ले सकते हैं, और बॉटल को टाइट करने के लिए जो उसके कैप को टाइट करने के लिए जो रिंग लगी होती है वो रिंग चाहिए। मैंने भी कोकी बॉटल की ली है, आप कोई सी भी बॉटल की रिंग ले सकते हैं। सबसे पहले रिंग लीजिए और वुल का एक एंड लेकर रिंग के ऊपर आप अच्छे से टाइट नॉट लगाकर टाई कर दीजिए, ताकि जो वुल है वो उस जगह से हिले नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉट बांध के टाइट कर दिया है, एक दो नॉट बांध सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, जितना लेंथ मुझे चाहिए वुल का अंदाजन, जितना मुझे लगेगा पूरे रिंग को कवर करने के लिए, उतना वुल में कट कर लूँगी। उसके बाद मैं उसको पूरी रिंग को जो वुल है उससे लपेट लपेट के कवर कर दूँगी, ताकि पूरी जो रिंग है वो वुल से अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो मैं उसको एक 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 करके लपेटते जाती हूँ। तो मैंने पूरी रिंग जो है वो लपेट ली है। अब मैं एक थ्रेड लेकर उसके ऊपर स्टार का एक पैटर्न बना रही हूँ। थ्रेड का एक एंड आप बांध दीजिएगा नॉट से, और फिर उसके ऊपर आप इस तरीके से क्रिस क्रॉस में लपेटेंगे तो आपको एक स्टार का पैटर्न मिल जाएगा। और जो आखिरी का एंड है वो भी आप नॉट लगाकर बांध दीजिएगा। अब एक थ्रेड का लंबा पीस लेना है, बहुत सारे थ्रेड के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। लंबे थ्रेड के पीस पर छोटा वाला जो थ्रेड का पीस है उसको आपको टाई कर देना है। मैंने दिखाया है वीडियो में ऐसे, और जितने भी सारे हमने पीसेस कट करे हैं सभी को आपको लंबे वाले थ्रेड पर टाई कर देना है। मैंने सारे पीसेस ट्राई कर दिए हैं बैक कैमरा, और ये लास्ट पीस मैं टाई कर रही हूँ थ्रेड के ऊपर, और सारे पीसेस को बिल्कुल पास पास में लेके आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद सीजर लेके आपको जो छोटे पीसेस है उसका एक्सेस कट करते हुए आपको इसको एक फैदर का शेप देना है। तो आप पहले छोटे छोटे पीसेस जो कट करना स्टार्ट करिएगा, ताकि एकदम से ही बहुत ज़्यादा कट ना हो जाए और आपका फैदर ख़राब ना हो जाए। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस जो एक्सेस मुझे दिख रहे हैं वो मैं कट कर रही हूँ फैदर का शेप देते हुए, और फिर उसके बाद मैं चेक करती जाऊँगी, और जहाँ जहाँ से मुझे एक्सेस लगेगा कि ये थ्रेड यहाँ से थ्रेड एक्सेस है वहाँ से मैं कट करके जाऊँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ। टेबल पर रख के आप चेक करिए कि आपको कहाँ से एक्सेस लग रहा है, और आप वहाँ से सीजर की हेल्प से उसको कट कर दीजिए, तो आपको जो फेदर है आपका वो बिल्कुल अच्छा मिल जाएगा। ओके, अब मैंने एक बीट जो है वो थ्रेड में टाई कर दिया है, और एक नॉट बना लगा रही हूँ मैं बीट के पास में, ताकि जो बीट है वो उस जगह से मूव ना हो। उसके बाद मैं एडजस्ट कर रही हूँ जहाँ पर मेरे को वो बीट चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा वुल का पीस है वो मैं कट करूँगी। मुझे दो छोटे छोटे सेम साइज़ के वुल के पीसेस चाहिए, तो मैं वो वुल में से कट कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बीट लेना है, छोटे वुल के पीस में आपको उसको डालना है, और आपको जिस तरीके से नॉट हमने बड़े वाले वुल के पीस में लगाई थी, फेदर में लगाई थी, उसी तरीके से आपको इसमें भी नॉट लगानी है, और जो जो बीट है आपका वो एक एंड पे बांध देना है वुल के पीस के। ऐसा सेम आपको दोनों जो वुल के पीसेस हैं दोनों के साथ में सेम चीज़ करनी है। आप उसमें डालिए बीट को और नॉट लगा दीजिए, और उसको एक एंड पर लगा दीजिए, तो वो वहाँ पर ही रहेगा और वहाँ से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए और आपके पास चार पीसेस हो जाएंगे जो फाइनल पीसेस हैं, और इनको हमको अटैच करना है। उसके बाद जो फेदर है उसको मैं एक एंड है जो मेरे रिंग का उसके ऊपर टाई कर रही हूँ। जो बीट है उसको सबसे ऊपर रिंग से टच करते हुए लगाऊंगी मैं, और वहाँ पर भी दो तीन नॉट बांध के फेदर को टाइट कर दूंगी, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो और जो एक्सेस वुल रहेगा जो बचेगा दो चार नॉट लगाने के बाद, नॉट अच्छे से लगाइएगा ताकि वो वहाँ से हिले नहीं, और बाद में ग्लू लगा सकते हैं। उस एक्सेस वुल को मैं कट कर दूंगी जो बचेगा। उसके बाद में जो थोड़ा सा गैप छोड़ के जो छोटे वाले स्ट्रिंग हमने बनाए थे उनको बनाऊंगी, और उनका जो बीट है उनको मैं रखूंगी नीचे की साइड।
तो वो जो बीट है वो नीचे की साइड रहना चाहिए, इस तरीके से आप उनको लगाइएगा। तो मैंने वहाँ पर भी नॉट बांध दिया है। नॉट बांधने के बाद सेम चीज़ करूँगी मैं, जो एक्सेस वुल बचा है वो मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से। और इसी के सेम डिस्टेंस पे मैं जो दूसरी साइड है उस साइड पे ये वाला जो वुल का पीस है जो मैंने बनाया था उसको मैं टाई कर दूँगी, तो वो सेम हो जाएगा। और मैंने एक और स्ट्रिंग का पीस लिया है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में बांध दूंगी ताकि अगर मुझे इसको की चेन के जैसे या फिर विंड चाइम के जैसे यूज़ करना है तो मुझे उसको टाई करने के लिए कुछ मिल जाए। इसी के साथ आपका क्यूट सा मिनी सा विंड चाइम रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय।